डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का मुस्लिम समाज पर व्यापक असर हुआ है। यूपी के कई जिलों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। रविवार को सहारनपुर में 2000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने देखते ही देखते शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पथराव इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद पुलिस को इधर उधर होकर जान बचानी पड़ी। हालांकि बाद में पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर कैराने के सपा सांसद इकरा हसन ने कहा है कि नरसिंहानंद ढोंगी और पाखंडी हैं, हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ये बर्दाश्त नहीं है, उन पर NSA लगना चाहिए। पहले देखिए सहारनपुर में मुस्लिमों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में पथराव को। सारे तोड़ दिए।
यही का घूमा फिर पर गई क्या कर रहा भाई पीछे दिया जा रहा है डरना कर दिया जा तो डरना ही नहीं लगती चार किन का अरे यार देख ले किस पे बजा रहा है लगती चार किन का तुझे पता लट्टी कहां चार जी क्या भाई यही कहेगा तू भी इस बारे में एसपीसीटी अभिमन्यु मांगलिक ने यह जानकारी दी। जी हाँ, आज करीब अभी एक घंटे पहले ये शेखपुरा कदीम में जो गांव चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम दिया किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गाँव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी लड़के भी थे, उनके द्वारा कुछ वहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहाँ पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। ये ज्ञापन किस चीज़ को लेकर था? जी, ये जो गाजियाबाद में ये स्वामी यतीनंद जी द्वारा एक टिप्पणी करी गई है एक समुदाय विशेष पर, उसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। तो लेकिन उनको तो हिरासत में ले लिया गया था, क्या मैसेज कन्वे नहीं हुआ था जो ये ज्ञापन? नहीं, मैसेज सबको कन्वे कर दिया गया था, हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा भी मैसेज कन्वे कर दिया गया। जब वो ज्ञापन देने आए भी थे पहली बार, जब आपको बताऊं तो ज्ञापन आराम से शांतिप्रिय तरीके से ले लिया गया था, तो ज्ञापन देने के बाद ही कुछ लोग जो उग्र विचारधारा के थे वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनके द्वारा ये वहाँ पे शांति भंग करने का प्रयास किया गया था। तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज? जी हाँ, उसके पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें लोगों को हिरासत में भी लिए जाने के लिए टीम लगा दी गई। आरोपियों की शिनाख्त कैसे करें? जी, कुछ वीडियोस पुलिसकर्मी द्वारा बनाई गई हैं मौके की, उसी के आधार पर इसमें शिनाख्त की जाएगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।